हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नीडिंग चैनल में। आज जो है मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी, स्नोमैन। आप इसको स्वेटर में डाल सकते हैं, आप इसको बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं और बड़ों की स्वेटर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत आसान डिज़ाइन है, मैं आपको सिर्फ इसका जो है एक पार्ट बनाना सिखाऊंगी, बाकी आप इसको सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। जैसा इसका एक बनेगा सेम उसी तरह से इसके बाकी भी पैटर्न बनेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट जो स्नोमैन है, ये हमारा 16 फंदों में बना है। तीन यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में मैंने तीन फंदे गैप के लिए हैं। 16+3 के मल्टीपल में आप इसमें फंदे लेंगे जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और ये हमारा डिज़ाइन जो है 16 फंदों का, तीन गैप के होंगे और 16 फंदे हमारे स्नोमैन के। राइट में और लेफ्ट में आप जितना मर्जी आप लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा उतने आप रख सकते हैं। और सेंटर में हमारे सिर्फ तीन फंदे जो है गैप के बनेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड स्नोमैन बनेगा। यानी कि सेकंड जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो फंदे हमने 16+3 के मल्टीपल में लेने हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहला जहाँ तक पहले आप 16 फंदे गिनेंगे उसके बाद तीन फंदों का गैप रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है 16 सेकंड स्नोमैन के लिए, फिर तीन फंदों का गैप, फिर 16 नेक्स्ट स्नोमैन के लिए। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं। 20 फंदों में से 16 जो फंदे हैं वो हमारे डिज़ाइन के हैं, और चार फंदे मैंने दो राइट साइड के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं और दो लेफ्ट साइड के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं। और हमारा जो है 16 फंदों में ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। इसकी पहली रो में हम दो फंदे जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं उनको हम बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम 1, 2, 3, 4 और 1, 5 5 फंदे हमारे, टोटल हमारे 7 फंदे हैं क्योंकि दो हमारे स्टार्टिंग के फंदे हैं कॉर्नर के। तो उसके बाद हम अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे, वाइट कलर। इससे हम 7 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 7 फंदे हमारे वाइट हो गए हैं। अब जो बाकी के हमारे फंदे हैं इसको हम अपने जो हमारा मेन कलर है जो हमने ऐड किया है मेन कलर में, मेन आप कोई भी कलर ले सकते हैं, 4, 5 और 1, 6। तो ये हमारी होगी है इसकी फर्स्ट रो। सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में हमने दो फंदे हमने वाइट वाले राइट की तरफ इंक्रीज करने हैं और दो फंदे लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे आप अब देखेंगे दो फंदे जो है इंक्रीज करने हैं, तो फिर हम वाइट वाले यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे हो गए हैं जहाँ तक वाइट थे 9। तो यहाँ पे भी हम दो फंदे वाइट से इंक्रीज करेंगे, टोटल हमारे हो जाएंगे 11, 9, 10 और 1, 11। तो इस तरह से हमारी सेकेंड रो भी बन जाएगी। बाकी जितने फंदे हमारे पास बच जाएंगे उनको हम अपना जो मेन कलर है उसी से बना देंगे। तो ये हो गया हमारी दो रो कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इसकी तीसरी रो में। तीसरी रो में अब हम क्या करेंगे, 2, 3 और 1, 4 4 फंदे पहले
पांच थे, अब चार फंदे हम मेन कलर से बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पे हम वाइट वाला इंक्रीज कर देंगे इस तरह से, बाकी भी जो है वाइट बनेंगे। दूसरा धागा भी साथ ही साथ हम आगे लेकर के जाएंगे। तो ये हमारी जो है तीसरी रो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक दो चार छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमने वाइट कलर से बना दिए हैं। एक और फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे। दस फंदे हमारे वाइट कलर से हो गए हैं। अब ये जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों में से हम पहला फंदा हम एक और कलर लगाएंगे, ब्लैक कलर। इससे हम ये वाला फंदा बुन लेंगे। फिर हम वाइट वाला एक वाइट बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए तीन फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो ये हमारी होगी है इसकी तीसरी रो। अब आ जाएंगे हम इसकी चौथी रो में। चौथी रो में जो मेन कलर से फंदे हैं, तीनों फंदों को हम मेन कलर से बनाएंगे इस तरह से। तीन ही बल्कि यहाँ पे चौथी रो में दो फंदे हमारे मेन कलर से बनेंगे। यहाँ पे हम एक वाइट वाला इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और टोटल हम आठ फंदे वाइट कर देंगे। दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, आठ फंदे हमारे वाइट कलर से हो गए हैं। दो चार छः आठ, आठ फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद अब हम एक और कलर ऐड करेंगे जो कि है हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से हम दो फंदे बनाएंगे, उसके बाद हम वाइट वाले फंदे वाइट बनाएंगे। दो तीन चार, यहाँ पे भी हम एक फंदा वाइट वाला इंक्रीज कर देंगे, पाँच। तो इस तरह से ये हमारी इसकी फोर्थ रो है। बाकी जो तीन फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। ये हो गई हमारी चौथी रो कंप्लीट। अब आएंगे हम इसकी पांचवी रो में। अब हम इसमें जो है फंदे इंक्रीज नहीं करेंगे, जितने फंदे हैं उतने ही फंदों में इसको बनाएंगे। तीन हमारे मेन कलर, जो हमारा बेस का कलर है मेन, इससे बनाएंगे। उसके बाद दो फंदे हमारे यहाँ पे वाइट हो जाएंगे, और हमारे पांच फंदे ग्रीन हो जाएंगे। एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदे हमारे ग्रीन हो जाएंगे। फिर बाकी जो है हमारी पूरी रो वाइट कलर से ही बनेगी। पूरी रो यानी कि जितने फंदे वाइट हैं उतने ही फंदे हमारे वाइट होंगे। यहाँ तक वाइट है तो ये वाइट बनेंगे। जो हमारे मेन कलर से दो फंदे हैं ये हमारे मेन कलर से बनेंगे। तो इस तरह से हमारी पांच रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो में आएंगे। सिक्स्थ रो में जो मेन कलर से फंदे हैं उनको मेन कलर से बनाएंगे, उसके बाद दो फंदे वाइट कलर से,
एक फंदा हमारा ब्लैक कलर से, फिर हम वाइट फंदे बनाएंगे। ग्रीन से पहले जितने वाइट हैं उन सभी फंदों को हम वाइट बनाएंगे। यहाँ तक हमने वाइट वाले फंदे वाइट बना दिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले फंदे बनाएंगे। पहले हमारे ग्रीन पांच थे, अब हम चार फंदे ग्रीन बनाएंगे, दो तीन और एक चार। तीन फंदे फिर हमारे यहाँ पे वाइट हो जाएंगे, दो तीन। तीन फंदे वाइट बनाने के बाद उसके बाद हम अपने फंदे तीन जो है वो मेन कलर से बनाएंगे, एक दो और एक तीन। तो ये हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं इसकी हम सेवेंथ रो में। अगर आपका धागा जो है फ्रंट साइड से ढीला हो जाता है तो आप इसको बाद में टाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से सेवेंथ रो में आएंगे। सेवेंथ रो में जो मेन कलर से फंदे हैं उनको हम मेन कलर से ही बना लेते हैं। पहले दो तीन। अब हम क्या करेंगे, जो वाइट वाले फंदे हैं इनको हम चार फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। अभी तीन है तो एक और फंदा हम वाइट बनाएंगे। टोटल हमारे चार फंदे वाइट हो गए हैं, तीन फंदे हमारे ग्रीन कलर से, एक दो और एक तीन। तीन फंदे ग्रीन कलर से और बाकी के जितने फंदे हमारे वाइट हैं इनको वाइट बनाएंगे। ब्लैक वाला भी हम वाइट कर देंगे। साथ ही साथ हम अपना दूसरा धागा भी आगे लेके जाएंगे। इस तरह से और लास्ट के दो फंदे हमारे मेन कलर से है तो इनको हम अपने मेन कलर से ही निट करेंगे। तो ये हमारी सेवन रो कंप्लीट हो चुकी है। आठवीं रो में हम मेन जो फंदे हैं उनको मेन कलर से बनाएंगे। जितने फंदे हमारे वाइट है उनको हम वाइट बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ। आठ फंदे वाइट है तो आठ फंदे हमने वाइट बनाए। तीन फंदे ग्रीन है तो तीनों फंदों को हम ग्रीन बनाएंगे। अब जितने वाइट वाले फंदे हैं उनको हम वाइट बनाएंगे। चार चार वाइट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंदा ग्रीन करेंगे। इस तरह से बाकी जो दो फंदे हैं लास्ट के बचे हुए इनको हम अपने मेन कलर से ही नेट करेंगे। इस तरह से ये हमारी हो चुकी है आठ रो कंप्लीट। अब आएंगे हम इसकी नाइन्थ रो में। नाइन्थ रो में हम दो जो मेन कलर से है इनको हम मेन कलर से ही बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदा ग्रीन है तो अब हम यहाँ पे तीन फंदे हम ग्रीन करेंगे, एक दो और एक तीन। तीन फंदे ग्रीन बनाने के बाद दो फंदे हमारे वाइट कलर से, एक दो।
दो फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद फिर तीन फंदे हमारे फिर से ग्रीन कलर से बनेंगे। एक दो और एक तीन, ये हमारी जो है नाइन्थ रो है। साथ ही साथ आपने धागे को भी आगे लेकर के जाना है। उसके बाद हम चार फंदे वाइट करेंगे, दो तीन और एक चार। चार फंदे वाइट करने के बाद एक फंदा हमारा ब्लैक हो जाएगा इस तरह से। एक फंदा ब्लैक, फिर दो फंदे हम वाइट करेंगे। यहाँ पे हम एक वाइट वाला डिक्रीज करेंगे, यानी कि हम इसको अपने हमारा जो मेन कलर है अपने हम मेन कलर से ही इसको नीट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया और तीन फंदे हमारे यहाँ पे अब मेन कलर से हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी नाइन्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हम इसकी टेंथ रो में, जो मेन कलर से फंदे हैं इनको मेन कलर से बनाएंगे। तीन फंदे हैं तो तीनों को मेन कलर से बनाएंगे। उसके बाद अब हम वाइट वाले फंदों को वाइट बनाएंगे, ब्लैक वाला फंदा भी हम वाइट कर देंगे। टोटल हम यहाँ पे पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, तीन दो पाँच और एक, छः, छः फंदे हम वाइट कर देंगे। उसके बाद तीन फंदे हम यहाँ पे हम ग्रीन वाला जो है इंक्रीज कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तीन फंदे हैं तो एक हम यहाँ पे और इंक्रीज कर देंगे, एक दो और एक तीन। तीन फंदे ग्रीन करने के बाद दो फंदे हमारे वाइट कलर से, दो फंदे वाइट कलर से करने के बाद चार फंदे हमारे ग्रीन कलर से, दो तीन और एक चार। चार फंदे हमारे वाइट कलर से करने के बाद दो फंदे हमारे मेन कलर से, एक दो। तो इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम इसकी टेंथ रो में। टेंथ रो जो है हमने अभी कंप्लीट की है, अब हम इसकी इलेवेंथ रो बनाएंगे। इलेवेंथ रो में जो फर्स्ट दो फंदे हैं मेन कलर से है तो इनको मेन कलर से ही बनाएंगे। उसके बाद हम ग्रीन वाले फंदे जो है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तीन फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, एक दो और एक तीन। तीन फंदे वाइट कलर से, एक फंदा यहाँ पे वाइट वाला डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमारे अब चार फंदे हमारे मेन कलर से हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट आएंगे हम अपनी ट्वेल्थ रो में।
चार, चार फंदे हमारे मेन कलर से बनेंगे। उसके बाद हम दो वाइट वाले जो है इनको हम डिक्रीज करेंगे, एक दो, दो वाइट वाले डिक्रीज किए। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक दस, दस फंदे हमारे ग्रीन कलर से, चार फंदे हमारे मेन कलर से। तो इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो में आते हैं। अब यहाँ पे हम पांच फंदे मेन कलर से बनाएंगे, तीन फंदे हम अपने ग्रीन कलर से बनाएंगे, तीन, तीन फंदे ग्रीन कलर से बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच और एक छः, छः फंदे हमारे वाइट कलर से और बाकी के फंदे हमारे मेन कलर से। तो इस तरह से हम इसकी 13th रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट रो में 14th रो में जो मेन कलर से फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से ही बनाएंगे। इस तरह से तीन दो पाँच, पाँच फंदे हमारे मेन कलर से हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा यहाँ पे वाइट वाला हम इंक्रीज करेंगे 14th रो में। दो फंदे हम वाइट बनाएंगे, एक हमने इंक्रीज किया। उसके बाद हम दो फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, फिर हम चार फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, दो तीन और एक चार, चार फंदे हमारे वाइट कलर से हो गए हैं। बाकी जो ग्रीन वाले हैं इनको भी हम मेन कलर से नीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी 14th रो भी कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी 14th रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम अपनी अगली रो में, जो कि हमारी 15th रो। इसमें जो फंदे मेन कलर से हैं इनको हम मेन कलर से ही नीट करेंगे। जहाँ तक मेन कलर से है वहाँ तक हम इसको मेन कलर से नीट करेंगे। ये हमने दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने अपने मेन कलर से नीट किए हैं। अब हम यहाँ पे एक ग्रीन वाला ये जो है मेन कलर से इसको हम वाइट कर देंगे, एक दो तीन और एक चार, चार फंदे वाइट कलर से। उसके बाद
एक फंदा ब्लैक कलर से, सेंटर के जो दो फंदे हैं इनको हम वाइट कर देंगे, फिर एक फंदा हमारा ब्लैक कलर से बनेगा, ब्लैक कलर से एक फंदा ब्लैक कलर से बनाया, फिर एक फंदा हमारा वाइट कलर से बनेगा और बाकी के जितने फंदे हैं ये हम अपने मेन कलर से बना देंगे। सिक्सटीन्थ रो में हम जो मेन कलर से फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से ही नीट करेंगे। ये दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमारे जो है मेन कलर से है, तो इसको हम मेन कलर से बनाएंगे। अब हम अपना एक नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे जो कि है हमारा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर से हम एक, दो और एक तीन, तीन फंदे हमने ऑरेंज कलर से बनाए, बाकी के फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः, छः फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। उसके बाद जितने भी फंदे हैं हमारे इनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो ये हमारी हो गई है 16th रो कंप्लीट। अब आएंगे हम अपनी 17th रो में, जो फंदे मेन कलर से हैं उनको हम अपने मेन कलर से ही बनाएंगे। मेन कलर वाले फंदे मेन कलर से बना दिए हैं, अब इसके बाद वाइट कलर से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः, छः फंदे हो गए हैं हमारे वाइट कलर से। छः फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद अब हम जो है ऑरेंज कलर से बनाएंगे पांच फंदे। एक, दो, तीन, चार और एक पाँच, ये हमारे पांच फंदे ऑरेंज कलर से हो गए हैं। फिर तीन फंदे हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो ये हमारी 17th रो कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हम इसकी 18th रो में, तीन फंदे जो मेन कलर से हैं इनको हम मेन कलर से ही बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद वो हमने जो ऑरेंज कलर से बढ़ाए थे इनको भी हम अपने मेन कलर से बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंदा वाइट, एक फंदा हमारा ब्लैक, फिर दो फंदे हमारे वाइट। एक, दो, दो फंदे वाइट बनाने के बाद एक फंदा ब्लैक, ये जो है हमारी ये इसकी आईज बनेगी इस तरह से। उसके बाद बाकी के जितने भी फंदे वाइट हैं उनको वाइट बनाएंगे और जो हमारे मेन कलर से फंदे हैं उनको हम मेन कलर से बनाएंगे इस तरह से। अब जो मेन कलर वाले फंदे हैं उनको हम अपने मेन कलर से ही बनाएंगे। अब आएंगे हम अपनी 19th रो पे, जो मेन कलर से फंदे हैं उनको हम मेन कलर से बनाएंगे।
तीन फंदे हम यहाँ पे मेन कलर से बनाएंगे। उसके बाद हम तीन फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक दो और एक तीन। तीन फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। उसके बाद जो वाइट वाले फंदे हैं उनको हम वाइट बनाएंगे। जहाँ तक हमारे वाइट हैं, सभी फंदों को, चाहे वो ब्लैक है चाहे वाइट है, दोनों को हम वाइट करेंगे। इस तरह से जहाँ तक वाइट थे वहाँ तक हमने वाइट कर दिए, और बाकी के जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। नाइनटीन रो कंप्लीट करने के बाद अब हम 20th रो में आ जाएंगे। 20 रो में मेन कलर से जो फंदे हैं हमारे, इनको हम मेन कलर से ही बनाएंगे। यहाँ तक मेन कलर से थे, अब हम क्या करेंगे, एक फंदा वाइट वाला यहाँ पे मेन कलर से बनाएंगे, यानी कि एक हम वाइट वाला डिक्रीज कर देंगे। फिर एक दो तीन चार और एक पाँच, पाँच फंदे हम वाइट बनाएंगे और छः फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। दो तीन चार पाँच और एक छः, छः फंदे हमारे ब्लैक कलर से, बाकी के जो फंदे हैं वो हमारे तीन फंदे हैं, तो इन तीनों को हम अपने मेन कलर से बना देंगे। इस तरह से हमारी इसकी जो है 20 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे हम इसकी 21st रो में। 21st रो में मेन कलर से जो फंदे हैं उनको मेन कलर से ही बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद तीन फंदे हम जो है यहाँ पे, एक दो और एक तीन, तीन फंदे हम यहाँ पे फिर से मेन कलर से और बना देंगे। तीन हमारे पहले से थे, तीन हमने ब्लैक वाले मेन कलर से बनाए, अब हम बाकी के फंदों को ब्लैक करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे टोटल आठ, नौ और एक दस। इस तरह से दस फंदे हमारे ब्लैक कलर से हो जाएंगे। बाकी के फंदे, दस फंदे बनाने के बाद बाकी के फंदे हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो ये 21 रो कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हम इसके 22nd रो में। अब हम क्या करेंगे, दो तीन, तीन फंदे हमारे मेन कलर से हो गए हैं, अब एक फंदा और इंक्रीज करेंगे। एक, यहाँ पे हमने ब्लैक वाला इंक्रीज किया है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। अब हम एक और कलर ऐड करेंगे जिससे कि हम इसकी कैप बना रहे हैं, वो है हमारा रेड कलर। रेड कलर से हम दो ब्लैक वाले फंदे हम रेड कलर से कर देंगे, और बाकी जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो इस तरह से हमारी 22nd रो भी बन जाती है।
पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये कैप वाला पोर्शन हमारा बन रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे 23 रो में, जो फंदे हमारे मेन कलर से हैं उनको हम मेन कलर से ही बनाएंगे। 3, 4 और 1, 5, 5 फंदे हम यहाँ पे मेन कलर से बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा हम जो है यहाँ पे ब्लैक बनाएंगे, मेन वाला जो कलर वाला फंदा है इसको ब्लैक बनाएंगे। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 8 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, 2 फंदे हम अपने मेन कलर से बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, उसके बाद 2 फंदे हमारे मेन कलर से, फिर लास्ट के जो बचे हुए 2 फंदे हैं इनको हम अपने ब्लैक कलर से बनाएंगे। इस तरह से 2 ब्लैक कलर से और जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी 23 रो भी पूरी हो जाती है। इस तरह से 23 रो बनाने के बाद 24 रो में आ जाते हैं। इसमें हम मेन कलर से 3 फंदे हैं इनको मेन कलर से बनाएंगे, और जो ये 2 ब्लैक वाले हैं इसको भी हम मेन कलर से बनाएंगे, ये 2 है मेन कलर से इनको भी मेन कलर से बनाएंगे। अब हम रेड वाले फंदे जो है वो रेड कलर से बनाएंगे, 7 फंदे हैं तो हम 7 फंदों को रेड कलर से बनाएंगे। ये हमने रेड कलर से बना दिए। इसके बाद 2 फंदे हमारे ब्लैक कलर से है तो इनको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, और बाकी के बचे हुए फंदे हैं इनको हम अपने मेन कलर से ही बनाएंगे। इस तरह से के बाद 25 रो में आएंगे। इसमें हम 3 फंदे हमारे मेन कलर से हैं तो इनको मेन कलर से बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 ब्लैक वाला फंदा इंक्रीज करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 10 फंदे हमारे ब्लैक कलर से, बाकी के फंदे हमारे मेन कलर से। तो इस तरह से हमारी 25 रो भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा पैटर्न जो है इतना 25 रो बनाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब आएंगे हम 26 रो में, जो फंदे हमारे मेन कलर से हैं उनको मेन कलर से बनाएंगे। के बाद जो ब्लैक कलर से फंदे हैं उन सभी फंदों को हम ब्लैक कलर से बनाएंगे।
जितने ब्लैक कलर से थे उनको ब्लैक कलर से बनाया, और जो बचे हुए 3 फंदे हैं उनको हम अपने मेन कलर से बना देंगे। तो इस तरह से हमारी 26 रो कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हम 27 रो में। इसमें हम 3 फंदे जो मेन कलर से थे उनको मेन कलर से बनाएंगे, और एक फंदा जो है यहाँ पे ब्लैक वाला हम डिक्रीज करेंगे। इस तरह से टोटल हमारे 4 फंदे जो है डिक्रीज हो गए हैं। उसके बाद ब्लैक वाले फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, जितने फंदे ब्लैक हैं उतने फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। इस तरह से ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से बनाने के बाद जो मेन कलर से फंदे हैं उनको हम अपने मेन कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। 27 रो कंप्लीट करने के बाद 28 रो में आते हैं हम। 28वीं रो में जो फंदे हमारे मेन कलर से हैं उनको मेन कलर से ही बनाएंगे। अब हम ब्लैक वाले फंदों को ब्लैक कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 8 फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। एक ब्लैक वाला यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे, इसको हम अपने मेन कलर से बनाएंगे। इस तरह से हम 28 रो को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं 29 रो पे, जो कि हमारी इस डिज़ाइन की लास्ट रो है। मैं जो मेन कलर से फंदे हैं इनको तो हम मेन कलर से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 ब्लैक वाले फंदे यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। 1, 2 फंदे ब्लैक वाले डिक्रीज किए। उसके बाद हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमारे ब्लैक कलर से, फिर ब्लैक वाला मेन कलर से एक फंदा हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हमारी 29 रो कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी डिज़ाइन की जो है लास्ट रो थी। इस तरह से आप देखेंगे ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो है। इसके बाद आप जितना मर्ज़ी जो है इसके ऊपर रोज बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे स्नोमैन का हमारा ये डिज़ाइन 29 रो में कंप्लीट हो गया है, और 16 फंदों में ये हमारा डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये आप इस डिज़ाइन को स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी नीटिंग प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्वेटर में, बॉर्डर में भी आप डाल सकते हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।